जौनपुर जिले के सुजानगंज में खंड शिक्षा अधिकारी सुजानगंज जौनपुर और प्रधानाध्यापक बसरहीन नाथ हायर सेकेंडरी स्कूल सुजानगंज जौनपुर तथा फर्जी तरीके से अध्यापक पद पर नियुक्त अनुज तिवारी द्वारा भ्रष्टाचार करके राज्य युक्त आयोग लखनऊ को गलत सूचना देकर 188/2023 वाद का निस्तारण बिना प्रार्थी को सुने किया गया। हाँ दादा, हमारा पोस्ट में कोई कागज आया क्या? रजिस्ट्री, कोई रजिस्ट्री हमारी आई है क्या? कृष्ण कुमार के नाम से? हाँ, कृष्ण कुमार तिवारी के नाम से एक रजिस्ट्री है। हाँ हाँ, अच्छा कौन भेजा है ये? कौन भेजा है? भेजे हैं प्रधानाध्यापक बसरही, इंटर पूर्व माध्यमिक विद्यालय बसरही। देखिए ये RU 3559/151 पंद्रह नहीं है, RU 3559/15/1 इन ठीक। हाँ, ये पोस्ट से आया है बस, लेकिन हम तो ये जनसूचना वहाँ शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी सुजानगंज से मांगे थे, तो ये क्यों प्रधानाचार्य दे रहे हैं भाई? अब रजिस्ट्री है, प्रधानाध्यापक ने कहा वहाँ आपके नाम से मतलब जो भेजा है रजिस्ट्री। अच्छा, अब आप इसको रिसीव करिए। हाँ हाँ, तो इसको साहब आप फाड़ देखिए इसमें क्या है। हाँ, आप रिसीव कर लीजिए, इसके बाद जो है आप फाड़ लीजिए। ठीक है, हम रिसीव कर ले रहे हैं ना, कहाँ पे है वो रिसीव करने वाला? हाँ, नंबर बोलिए। ये नंबर है RU 35 59 59 15 15 15 1 1 इन। आज कौन सी तारीख है? आज जो है मतलब 22, 23, 24 तारीख है। आज 24/3/2000, लेकिन सुनवाई तो 16/3 को थी, इसका मतलब है। मतलब ये सादा कागज RTI के नाम पे केवल सादा कागज दिए हैं, और ये काम जबकि हमने सूचना मांगा था खंड शिक्षा अधिकारी सुजानगंज, ये सादा कागज सब दिए हैं, केवल भ्रष्टाचार किए हैं। 6/1/6/3 RTI Act 2005। सभी पेज खोल के दिखाइए। अरे सभी पेज है भाई, इसमें आगे पीछे दोनों साइड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये देखिए, अभी हमने रिसीव किया, केवल भ्रष्टाचार किया गया है। कानून RTI Act के तहत का कानून का घोर उल्लंघन किया गया है, केवल बेवकूफ बनाने काम किए हैं। अब मांग रहे हैं हम बेसिक शिक्षा अधिकारी सुजानगंज से, अब ये दे रहे हैं प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक सुजानगंज बसरही नाथ हायर सेकेंड ईयर। इसका मतलब हाथ हटाइए, इसका मतलब अनुज कुमार तिवारी सनाफ यदवीर तिवारी, प्रधानाध्यापक बसरही नाथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय बसरही और खंड शिक्षा अधिकारी सुजानगंज की ये सब मिली भगत से भ्रष्टाचार किया गया है, केवल आयोग से बचने के लिए, केवल ये सब आयोग से बचने के लिए ये सब किया गया है। ये देखिए दादा, आपने इधर दिखाइए दादा, आपने आपके सामने हमने ये खोला है। हाँ, हाँ, हाँ। और इसमें केवल सादा पेज निकला, सादा कागज निकला है, कोई डॉक्यूमेंट दिए नहीं है? नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं लिखा है। रजिस्ट्री किए हैं, लेकिन केवल सरकार को और आयोग को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं कृष्ण कुमार तिवारी, ग्राम थलोई, पोस्ट भिखारीपुर कला, 6/1/6/3 के तहत RTI डाला था, और जन सूचना अधिकार के तहत हमने सूचनाएँ मांगी थी। समय उपरांत 90 दिन के समय बीत गया, इसकी अपील हम लखनऊ आयोग में किए, आयोग से डेट मिली 16/3/2023, जबकि ये हमको 24/3/2023 को प्राप्त हो रहा है, और वाद का निस्तारण 16 को ही हो गया। हाँ, 16 को ही करा दिया गया, और रिसीव हो रहा है 24 को। हमारी आपत्ति भी नहीं दर्ज, हमारा आपत्ति भी नहीं दर्ज हो गई। अतः CM योगी आदित्यनाथ, DM जिला अधिकारी महोदय, और जिले के शिक्षा अधिकारी, सबसे बड़े शिक्षा अधिकारी से यह गुहार है कि ऐसे करप्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी सुजानगंज बसरही नाथ प्रधानाचार्य के ऊपर, जैसा कि उन्होंने रजिस्ट्री किया है उनके ऊपर, अनुज कुमार तिवारी पुत्र यदवीर तिवारी के ऊपर, इनके समस्त डॉक्यूमेंट की जांच किया जाए, जो वर्तमान में बसरही नाथ में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। अब घोर भ्रष्टाचार किया गया है, इनकी नियुक्ति जो है फर्जी है,
उसी उसी तथ्य को छिपाने के लिए यह फर्जी डॉक्यूमेंट दिया गया है।